मोदी मंत्रिमंडल में राजस्थान के 3 सांसदों को जगह मिल गई। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री तो वहीं कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। कैलाश चौधरी पहली बार संसद पहुंचे और वहीं अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार सांसद बनकर पहुंचे, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार सांसद बने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मरुधरा के नायकों को मोदी मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन से विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी के नामों पर, अब आखिरकार मोहर लग चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मरुधरा के इन मंत्रियों को आखिर कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि आज मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है और पहली बैठक है जिसमें सभी मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत दूसरी बार सांसद बनकर पहुंचे और वहीं कैलाश चौधरी पहली बार संसद पहुंचे, अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार सांसद बनकर पहुंचे हैं। बाड़मेर से पहली बार सांसद चुने गए कैलाश चौधरी, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे मानवेंद्र सिंह, उनको हराया। 2018 के विधानसभा में भी चुनाव लड़ा था और बाड़मेर की सियासी हॉट सीट पर कैलाश चौधरी ने अब कब्जा जमा लिया है, पहली बार जीत कर संसद पहुंचे। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कैलाश चौधरी के समर्थन में विशाल जनसभा भी की थी। बाड़मेर से पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे, भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले मानवेंद्र सिंह इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको हराकर कैलाश चौधरी ने फतह हासिल की और इसके बाद पहली बार संसद पहुंचे। भाजपा की प्रतिष्ठा को बचाए रखने में कैलाश चौधरी सफल रहे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आज कैबिनेट की बैठक में मरुधरा के मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी।